हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कबूतर, मैंने जो है ना बाहर छोड़े हुए हैं 10-12 कबूतर अपने छोड़े हुए हैं बाहर, तो वो दिखाता हूँ अभी आपको। तो पिंजरे के ऊपर बैठे हुए, नीचे नहीं उतरते वो, और ऊपर से फिर जो है गेट खोल के, आपको तो पता है ऊपर से गेट है और वो ऊपर से अंदर जाते हो। जो भी भाई नया आ रहा होगा तो मैं कहता हूँ उनको कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। और अभी धीरे धीरे अभी अपना काम भी चालू होगा, 2-3 दिन के बाद में गड्ढे हो गए अभी, और घर बांधने का फिर वो क्लेम बनेंगी और बाद में फिर उस पर जुड़ाई उड़ाई करेंगे अपन, और बाद में जो है वो स्लैब पे आप डलेंगे, फिर अपना जोड़े चलेंगे अपने। तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों, जो भाई हरी बीट का इलाज प्रॉपर इलाज जम उसको पता होगा तो भाई मेरे को बताए, क्योंकि मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे मैंने और वो इस्तेमाल किया, पर उसका कुछ रिजल्ट मेरे को बराबर प्रॉपर मिल नहीं रहा है। और आप जो भी भाई किसी को जनरली एकदम ऐसा परफेक्ट पता होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बताए कि ये दवा से कबूतरों का हाजमा ठीक होता है। तो उनका क्या हो रहा है कि हरी बीट कर रहे हैं और सुस्त बैठ रहे हैं, और जो भी दाना खा रहे तो वो वैसे का वैसे ही वापस निकाल रहे, थोड़ा दाना पचा के जो है ना उस दाना वैसे के वैसे वापस, और दाना चेंज कर दिया था मैंने और फिर चेंज कर दिया वापस से, फिर भी जो है ना कबूतर सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर आप बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ कबूतरों की तरफ, और जो भी भाई को पता होगा तो ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसा है ना मेरे कबूतर ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कबूतर जो ऊपर पिंजरे के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये अपने कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सफ़ेद चीना और ये मादी, ये जोड़ा लग चुका है इनका, ये देख पा रहे होंगे आप, मीटिंग हो रही है जोड़े की, और अंडे वंडे भी हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो इनके खुद के बच्चे तो नहीं निकालूंगा मैं, अच्छे कबूतर के बड़े कबूतरों के मैं इसके नीचे डालने वाला हूँ, क्योंकि मादी मेरे को इतनी पसंद नहीं है, वो नर अच्छा है, मादी नहीं क्या थोड़ी बेकार है, उड़ती नहीं है कुछ ज़्यादा। ये कलसरा बच्चा यहाँ पर दब के बैठा हुआ है थोड़ा, मैंने बोला धूप ऊप खाएंगा थोड़ा सही चलेगा, तो इसको छोड़ा हुआ है। ये जोड़ा इधर लग चुका है, ये सामने का कबूतर नीले ठप्पे वाला, और वो उधर का सफ़ेद चीना पीली आँख वाला, उसका भी जोड़ा इसके साथ में लग चुका है। ठीक है, और ये बड़ा कबूतर भी छोड़ा हुआ है मैंने, ये कलसरा भी छोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे शोक करे कबूतर का, तो ये देखिए दोस्तों, ये है कबूतर अपने। ठीक है, तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अभी इनको अंदर डालता हूँ मैं और दाना पानी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन जाते हैं अभी पिंजरे की तरफ। देखिए दोस्तों, गुलाब के फूल, बहुत सारे फूल आ चुके हैं मेरे घर पे, यहाँ पे ऐसे एकदम गार्डन गार्डन हो गया है पूरा। और ये इधर से तो कबूतर दिखेंगे नहीं, क्योंकि उधर से आ रहे सूर्या भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बैठा हुआ है बीमार कबूतर, ये यहाँ पे। ठीक है, इसको भी बीमारी लग चुकी है दोस्तों, ये भी बीमार हो चुका है, ये भी। ठीक है, ये मादी यहाँ की, तो ज़रूर जल्दी जो भाई को पता होगा वो भाई ज़रूर बताए, ये भी बीमार हो चुका है दोस्तों। वापस से वो पानी आया ना, अभी पानी का मौसम हो गया, हमारी इधर बारिश हुई तो सब कबूतरों ये हो गए, ख़राब हो रहे वापस से, थोड़े ठीक हो गए थे कुछ कबूतर, अभी देखिए ये वाली मादी ठीक हो गई, तो अंडे पे भी बोले तो अंडे रखने के हिसाब से उन्होंने घोंसला भी बना रहे लकड़ियाँ जमा करके। ठीक है दोस्तों, तो जो भी भाई वीडियो पूरी देखा होगा या तक देखा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अभी मैं कबूतर उतारता हूँ, और फिर जो है ना कबूतरों को दाना वाना दे के जो है ना अपन इनको फिर बंद कर देंगे, और फिर मैं जा रहा हूँ काम पर। ठीक है,